बता दिया आपने तो। रोहित शर्मा की पसंद बहुत अच्छी है। और रोहित शर्मा जी तो लगातार दो नाइट में आए थे, तो वो यहाँ रोहित शर्मा ने यहाँ पे बैठ के खाया था। उनको बहुत खाना बहुत पसंद है क्योंकि वेजिटेरियन है, अच्छा लगता है। वो एक तरह का उनका कल्चर सा है, बना हुआ है, तो वो नशे के लिए नहीं पीते हैं, बस सिर्फ खाने के साथ में एक गिलास या दो गिलास वाइन पिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका राजीव एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मैं आया हुआ हूं न्यूजीलैंड के हैवलॉक शहर में। इस शहर में आने का खास कारण है क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं वो रेस्टोरेंट। जब भी इंडियन टीम यहां पे आती है, यहां पे लोकल मैच होते हैं जब भी नेपियर की प्लेग्राउंड में, तो वो इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। तो इस रेस्टोरेंट को आपको दिखाते हैं, इनके ओनर से भी आपको मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने क्या ऐसा खाने में मिलाते हैं, क्या ऐसा खिलाते हैं कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं, इंडियन क्रिकेट टीम जो है, जब भी यहाँ पे आती है खाना खाकर जाती है। तो चलो उनसे मिलते हैं। तो ये है जी हैवलॉक नॉर्थ और ये है इनका रेस्टोरेंट। ऊपर आप बोर्ड देख सकते हैं, नमस्कार लिखा हुआ है। बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है ये। तो इनका डाइन इन भी है, टेक वे भी है और 4:30 बजे खुलने का समय है। तो चलते हैं अब अंदर की ओर। ऐसा दिखाई देता है ये रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का नाम जो है नमस्कार इंडिया है और भाई साहब से मिलते हैं और उनके बारे में पहले जानते हैं। आलम जी आ चुके हैं, अब मैं उनसे मिलाता हूं जो है इस रेस्टोरेंट के ओनर। तो ये हैं जी आलम जी, तो इनका रेस्टोरेंट है, ये ओनर है, इनसे कुछ सवाल पूछते हैं अब। आलम जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी। राजीव जी आप कैसे हैं? बस ठीक है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। आप बताइए कि आप पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं, कितने साल पहले आए, कुछ हम आपके बारे में भी जानकारी चाहते हैं सबसे पहले तो। जी राजीव जी, राजीव जी मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के छोटे से गाँव से हूँ जिसका नाम है सिमलासो, एक खास पट्टी में पड़ता है। और मुझे अभी 20 साल पूरे होने वाले अगले महीने। तो आपने कब स्टार्ट किया था यहाँ पे? राजीव जी हम यहाँ पे 2012 में अप्रैल में आए थे। 2012 अप्रैल में हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था और सेम टाइम उसी टाइम पे हमारा छोटा वाला लड़का भी बॉर्न हुआ था, तो दोनों साथ में ग्रो हो रहे हैं। नाम क्या है उसका? उसका नाम है आर्यन रांगड़ा। अच्छा, आर्यन रांगड़ा। तो आपका पूरा नाम? क्रिकेटर है। ठीक है। अभी वो अपना स्कूल से और क्लब से खेलता है। तो आपकी क्रिकेट की जो है ना अच्छी अटैचमेंट है शुरू से ही? शुरू से ही जी। हाँ जी, बहुत लाइक क्रिकेट के लाइक पैशन है और बहुत शौक था, लेकिन अपने यहाँ लाइक उत्तराखंड में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन अभी भी हम क्लब में खेलते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। यही क्रिकेट ही है जो हमको आप तक खींच के लाया जी। आलम जी के बारे में एक बात बता दूं कि मैं जब इनसे पहली बार मिला ना, इनकी स्माइल इतनी अच्छी है ना, आपको पहली बार में ही अपना बना लेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि कस्टमर सर्विस इनकी बेस्ट है, ये मैं पहली बार में ही जान गया था। तो आलम जी ये बताइए कि यहाँ पे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ये जो हैवलॉक का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है जी राजी। और इंडियन क्रिकेट टीम भी यहाँ पे आकर ही खाना खाती है जब भी हमारे यहाँ नेपियर में मैच होते हैं, तो ये सच है? जी राजीव जी, सिर्फ इंडियन ही टीम नहीं, जो भी टीम यहाँ पे आती है वो हमारे रेस्टोरेंट में जरूर आते हैं। और यहाँ पे भी जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, जो भी लाइक जो पहले खेल चुके हैं पुराने क्रिकेटर, वो भी यहाँ पे रहते हैं, टाउन में रहते हैं, वो भी हमारे अच्छे कस्टमर हैं। तो जो न्यूजीलैंड के लिए पहले खेल चुके हैं, तो बहुत ये नई बात मुझे, मुझे तो इंडिया की टीम के बारे में पता था पर न्यूजीलैंड के भी यहाँ पे आके खाना खाना पसंद करते हैं। उनकी फैमिली हमारी बहुत लाइक फ्रेंडली है, बहुत लाइक अच्छे लोग हैं और हमसे बहुत अच्छे फ्रेंडली, कि हम उनको समझते नहीं कि कस्टमर लाइक फैमिली जैसा हमारा रिलेशन है उनसे, और वो लोग हमको भी अच्छी तरह जानते हैं, हम उनको अच्छी तरह जानते हैं। और आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं? जी 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 हाँ। तो आलम जी थोड़ा सा हो गए थे बिजी क्योंकि इनके कस्टमर आ गए थे। मैंने एक और बार नोटिस की कि कस्टमर को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, वो इनको अच्छे से जानते हैं और अच्छे से आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे बैठे हुए, तो उनको बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रीट किया, काफ़ी फैमिली वाला माहौल देते हैं यहाँ पे। तो ये बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि मैं वहीं जाता हूँ जहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है। और एक और डिस्क्लेमर दे दूं कि कुछ भी जो है ना, मैं पेड प्रमोशन नहीं करता हूं, जो आदमी ने ज़िंदगी में कुछ किया है, कुछ अचीव किया है, हम उसी आदमी के पास जाते हैं और उन्हीं के बिज़नेस को उनसे सवाल पूछते हैं या उनसे इंटरव्यू लेते हैं, तो इसमें कुछ भी पेड नहीं है।
आलम जी को मैंने खुद अप्रोच किया है, तो ये भी आपको मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आलम जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम जब क्रिकेट टीम आई थी तो कब आई थी और कौन कौन यहाँ पे खाना खाने के लिए आया था? जी राजीव जी, इंडियन टीम यहाँ पे आई थी 2019 में जनवरी में, और मोस्टली सभी क्रिकेटर जो थे सब यहाँ पे आए थे, उनका मैनेजमेंट स्टाफ भी आया था, कुछ लोग टेकवे लेके गए, कुछ ने यहीं पे खाया, क्योंकि जो यहाँ पे रुके थे बगल में होटल है, ज़्यादा दूर नहीं है, 50 मीटर की दूरी पे है। कौन सा होटल है? पोर्टर 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 से बुटीक होटल में रुके थे, तो ज़्यादा दूर नहीं, 50 मीटर की दूरी पे है, तो कुछ लोग टेकवे पैक करके ले गए थे, कुछ लोगों ने यहीं पे खाया था। मोस्टली लाइक जैसे अपना रोहित शर्मा जी तो लगातार दो नाइट में आए थे, तो वो यहाँ रोहित शर्मा ने यहाँ पे बैठ के खाया था, उनको बहुत खाना बहुत पसंद आया क्योंकि वेजिटेरियन है। तो एक आपसे सवाल पूछूं कि उनको कौन सी डिश पसंद आई थी? शर्मा जी ने लगातार दो नाइट में सेम डिश खाई थी। अच्छा जी। वो थे बैंगन का भरता और हमारा स्पेशल है लहसुनी पालक बोल के। अच्छा, लहसुनी पालक। हाँ जी, और एक दाल तड़का। तो वेजिटेरियन दोनों नाइट में सेम फूड था और उनको बहुत पसंद आया था और बहुत खुश हुए थे। वही नहीं, सारे लोग बहुत खुश थे, हमसे लाइक काफ़ी बातें किया, बट हम ज़्यादा फोटो नहीं निकाल पाए क्योंकि हम बहुत बिजी थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं था फोटोग्राफी करने का, तो लेकिन काफ़ी बात बूत किया उनसे। तो आप लोगों को अब पता चल गई होगी कि रोहित शर्मा की जो फेवरेट डिश क्या है जब वो यहाँ पे आते हैं। तो आलम जी, एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपका किचन देख सकता हूँ? जी राजीव जी, हमारा किचन तो ओपन है, कस्टमर भी आके देखते हैं जब हम उनके लिए खाना पकाते हैं, वो खुद वहाँ पे खड़े होके देखते हैं क्योंकि हमारा पूरा किचन ओपन है। इस साइड में हमारा डाइनिंग है, उस साइड में टेक अवे है जहाँ से हम पैकिंग देते हैं, तो कस्टमर भी आके ऑर्डर करते हैं, वो भी देखते हैं जब उनका हम खाना बनाते हैं। मैंने देखा काफ़ी लोग जब मैं एंटर कर रहा था तो कुकिंग हो रही थी, वेट कर रहे थे, तो वो बाहर से ही लेकर चले जाते हैं घर पे बैठ के जिन्होंने खाना है, तो टेक अवे भी यहाँ पे मिलता है। हाँ जी, तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ। आ जाओ, आ जाए राजीव जी, मैं आपको दिखाता हूँ अपना किचन। ये हमारा पैकिंग डिपार्टमेंट में है जहाँ से पूरा पैकिंग चलता है, डिलीवरीज है, पिकअप है, और ये अपना सारा किचन है जहाँ पे सब लोग काम करते हैं। जी कैसे हैं? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन सी डिश बना रहे हैं फिर आज? मैं बना रहा हूँ जी लहसुनी पालक बना रहा हूँ। अच्छा, लहसुनी हुआ। हाँ जी, ये तो रोहित शर्मा की स्पेशल है ना? यस यस यस। तो लहसुनी पालक के लिए पहले हम तेल डालते इसमें। अच्छा जी, और उसके बाद गार्लिक डालेंगे। आपका नाम क्या है जी? नाम मेरा मोहन सिंह है जी। मोहन सिंह, आप भी उत्तराखंड से? हाँ जी, उत्तराखंड से। ठीक है, ये क्या गया जी? ये अभी गार्लिक है इसमें, और गार्लिक को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे दो वहाँ पे हैं, एक वो हमारे तंदूरी शेफ हैं वहाँ पे, कुकिंग पूरी चल रही है, तो आप देख सकते हैं कितना बिजी किचन है, आपको अंदाजा लग गया होगा। कौन से? तो अभी स्वीट कॉर्न चले गए हैं जी इसमें। आग लगा दी आपने तो। हाँ, हल्दी क्या जी? हाँ जी, एक स्पून ले लो, थोड़ा सा सॉल्ट गया। सॉल्ट गया, और सॉल्ट के बाद इसमें पालक चले गया। अरे और उसके बाद इसमें ये प्याज का मसाला है, ऑनियन मसाला, प्याज थोड़ा सा, हाँ ऑनियन ही क्या। हाँ जी, थोड़ा सा इसमें ग्रेवी ऐड हो गई। ये ग्रेवी है? हाँ जी, खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, दिल कर रहा है कि अभी इसी में ही बैठ जाएं खाने के लिए। इसमें थोड़ा सा हमने मिक्स मसाला है हमारा इंडियन का। अच्छा। और थोड़ा मसाला मिक्स कर, सीक्रेट वाला होगा। हाँ जी, मैं सिगरेट कुछ नहीं, सारा मिक्स ही है गरम में। हाँ, ये अच्छी बात लगी आपकी, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य वाले कहेंगे कि सीक्रेट है। नहीं नहीं, सीक्रेट नहीं। लो जी, हमारा जो है, क्या नाम बताया था? ये लहसुनी पालक है जी। ये लहसुनी पालक है जो कि रोहित यहाँ पे थोड़ा राजीव जी के लिए टेस्ट करने के लिए रखो इसमें थोड़ा सा। हाँ जी, ये से निकाल दो, थोड़ा सा टेस्ट करवा दो उनको। तो ये इन्होंने मेरे को टेस्ट करने के लिए भी दे दिया है, हम बहुत ट्राई कर रहे हैं जो कि रोहित शर्मा ने यहाँ पे आके खाया था। वेजिटेरियन है और वेगन है, वेगन बोले तो इसमें डेयरी प्रोडक्ट कुछ नहीं है, नो क्रीम नो बटर, बहुत हेल्थी डिश है। तो मैंने भी इनसे ट्राई करने के लिए थोड़ी सी जो रोहित शर्मा ने डिश खाई थी वो ट्राई करने लगा हूँ। रोहित शर्मा की पसंद बहुत अच्छी है, और जैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, जैसे कुक किया, कहना ही क्या। रेस्टोरेंट तो यहाँ है ब्लॉक में आलम जी, और भी बहुत हैं। हाँ जी, लेकिन आपके रेस्टोरेंट में वो क्या खास बात है कि लोग खिंचे चले आते हैं,
लोग जो हैं आपके रेस्टोरेंट की ही तारीफ़ करते हैं। हर कोई कहता है कि हमें जाना है तो नमस्कार में जाना है, बात क्या है ये बताइए, सीक्रेट आपसे जानना चाहते हैं। राजीव जी, सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे हमारा पूरा लाइक घर वाला माहौल है, छोटा सा टाउन है और सब एक दूसरे को जानते हैं। अभी लाइक हम लोगों को यहाँ पे मोस्टली सारे टाउन वाले जानते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक। और दूसरा क्या, जो हम प्रोड्यूस यहाँ पे यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी का करते हैं, टॉप क्वालिटी का करते हैं, क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और जो लाइक जैसे हमारे वेजिटेबल्स हैं हम अपने खुद के फार्म में उगाते हैं, जो हमारा एक छोटा सा फार्म है। तो आपके पास फार्म भी है? हाँ जी, हाँ जी, उसमें हमारा जो विनियार्ड है उसमें ग्रेप्स हैं, वाइन ग्रेप्स हैं। हैवलॉक में ही है? हाँ जी, हैवलॉक में है। और उसमें हम लाइक सब्जी वगैरह रेस्टोरेंट के लोग आते हैं, धनिया हो गया, मिर्ची हो गया, शिमला मिर्च हो गया, गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, तो हमारा खुद ऑर्गेनिक जो है वो सब्जी हम लेके आते हैं। और लोगों को भी पता है कि हम अपना जो प्रोड्यूस उगाते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप लोकली इतने पॉपुलर हैं। हाँ जी। तो मैंने एक बात पूछनी थी कि आपको कोई अवार्ड वगैरह या कुछ कोई प्राप्ति आपने गेन की है यहाँ पे? आई थिंक हमने यहाँ पे बहुत अचीवमेंट किया है 12 साल में, और बहुत आपको बहुत कम इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर देखने को मिलेगा जो हमने अचीव किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। चल राजीव जी, मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि ये पूरा ऑल ओवर न्यूजीलैंड में है। अच्छा। ये अचीवमेंट जो है हाईएस्ट कलोनरी स्टैंडर्ड का है, जो मीट अप प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, ये भी सेम 2019 में हमें मिला था। वो हमें बेस्ट एशियन 2021 का अवार्ड मिला था। ये जो है अपने पूरे हॉक्स बेके हैं, 2015, 13, 14, 15, 16, 17, तो ये जो हमारे सारे जो अवार्ड हैं हमने जीत रखे हैं। तो मेरे ख्याल से दीवार भी कम पड़ जाएगी जितने अवार्ड इनको मिले हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी और भी मेरे ख्याल से अवार्ड होंगे जो इन्होंने यहाँ पे लगाए नहीं होंगे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों जो इंडियन क्रिकेट टीम है यहाँ पे आती है, क्यों इनका जो रेस्टोरेंट है इतना पॉपुलर है लोगों में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर है वो आते जा रहे हैं, और आलम जी के पास इतना समय भी नहीं लग रहा। तो मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें अपना समय दिया। तो आलम जी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बार, छोटा सा बार, बहुत ही सुंदर सुंदर बोतलें हैं, तो इन इसके बारे में बताएंगे? राजीव जी, यहाँ पे लोग ज़्यादा पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये आ रहा है सिजलर कस्टमर के लिए, तो वो गया जी वहाँ पे। राजीव जी, यहाँ पे लोग ज़्यादा वाइन और बियर पीना पसंद करते हैं, न्यूजीलैंड की जो कल्चर है ना ये। तो जैसे उसकी रम है यहाँ पे बहुत ही कम लोग पीते हैं, लेकिन ज़्यादा वाइन का बहुत ज़्यादा कल्चर है यहाँ पे। और जो हमारे पास यहाँ वेराइटीज़ वाइन है वो सारे लोकल जो हॉक्स बे की यहाँ की है, इस रीजन की है। तो हमने सारा जो लोकल हमारी वाइनरी उन्हीं की वाइन रखी है और अच्छी टॉप क्वालिटी की है। जैसे ये अपना क्रेगरेनरी सोल है, अरोहा है, तो ये बहुत टॉप क्वालिटी की वाइन्स हैं। तो पूरी टॉप क्वालिटी की जो लोकल वाइन्स हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो वाह वाह, देखने में भी कितनी सुंदर लग रही हैं, आपने काफ़ी अच्छे से सजा के रखी हुई हैं, काफ़ी टेम्पटिंग लग रही हैं। हाँ जी। मैं तो पीता नहीं, अगर पीता तो जरूर थोड़ी पी के जाता आज। जी, जी। पर यहाँ का कल्चर है, अगर आप कोई रेस्टोरेंट यहाँ पे खोलते हैं, अगर आप फूड सर्विस में हैं, तो आपको थोड़ी बहुत वाइन यहाँ पे सर्व करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे जो लोगों का यहाँ पे कल्चर है, उनको खाने के साथ में एक गिलास वाइन चाहिए होता है। ये तो नशे के तौर पे नहीं है, नहीं। हाँ, सिर्फ ये एक फूड को इनहांस कर देती है टेस्ट को और अच्छा लगता है। वो एक तरह का उनका कल्चर सा है, बना हुआ है, तो वो नशे के लिए नहीं पीते हैं, बस सिर्फ खाने के साथ में एक गिलास या दो गिलास वाइन पिया और खाना खाया, अपने चले गए। तो आलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको यहाँ पे समय दिया और वो रेस्टोरेंट दिखाया जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम आती है, यहाँ के लोकल लोग आते हैं। मैंने देख लिया है कि पूरा फुल हो चुका है, आप बहुत बिजी थे, फिर भी आपने समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, और कभी भी आना होगा, वेलकम, अपने फैमिली को लेके आए, दोस्तों को लेके आए, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू।